नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहांगीर के सैन्य अभियान, और इससे पहले जो मेरा लेक्चर था जहांगीर के ऊपर, जिसमें हमने चर्चा की थी जहांगीर के काल में कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे, किस तरह से शाहजहां ने विद्रोह किया, किस तरह से महाबत खां ने विद्रोह किया, और साथ ही साथ हमने नूरजहां का प्रभाव देखा था कि कितना नूरजहां का प्रभाव है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो आज हम देखते हैं उसके सैन्य अभियान कहाँ कहाँ होते हैं, किस क्रम में होते हैं। कई बार क्रम पूछा जाता है परीक्षा में, और कई बार इनके साथ जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ से अभियान इसका शुरू होता है, और मेवाड़ जैसे कि आपको पता है अकबर के समय में यहाँ से संघर्ष शुरू हो चुका था, और मेवाड़ी एक ऐसा राजपूताना में एक ऐसा प्रदेश बचा था जो जिसने जो है समर्पण अभी तक मुगलों के सामने नहीं किया हुआ था, और ये पूरी तरह से काबू में नहीं आया था अभी तक अकबर के काल तक, अंत तक भी। और जहांगीर का यहीं से जो है अभियान शुरू होता है, और उस समय यहाँ का शासक महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह है। यहाँ जहांगीर ने 10 वर्षों में कुल 4 अभियान किए हैं, और ये जो सबसे पहला अभियान भेजता है, ये भेजता है आसफ खां के नेतृत्व में, और ये इसमें कोई सफलता नहीं मिलती। दूसरा अभियान फिर 1608 में भेजा जाता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेनापति है महाबत खां, उसके नेतृत्व में भेजा जाता है, लेकिन महाबत खां को भी कोई खास सफलता नहीं मिलती। और तीसरा जो अभियान है वो उसके 1 साल के बाद अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में भेजा जाता है, लेकिन तभी भी कोई सफलता इसको हासिल नहीं होती। लेकिन जब ये चौथा अभियान भेजता है, उससे पहले जहांगीर खुद आगरा को छोड़कर अजमेर आ जाता है, वहीं पे अपना डेरा जमाता है, और चौथा अभियान जो है ये भेजता है शहजादे खुर्रम और मिर्जा अजीज कोका की कमान में। तो ये जो कोका और खुर्रम है, इन दोनों के बीच में संबंधों में थोड़ी सी कटुता थी, और एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए मिर्जा अजीज कोका को वापस बुला लिया जाता है, और खुर्रम को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि मेवाड़ को वो जीते। तो खुर्रम यहाँ से थोड़ा सा कूटनीति की हेल्प लेता है, कूटनीति का साथ कूटनीति के साथ जो है मेवाड़ की रसद का मार्ग ये बंद कर देता है, और मेवाड़ में इसी समय महामारी फैलने की वजह से अमर सिंह को संधि के लिए विवश होना पड़ता है। संधि होती है, इसकी 3 शर्तें रखी जाती हैं। संधि की शर्तें हैं, सबसे पहले कि अमर सिंह जो है वो अपने बेटे कर्ण सिंह को जहांगीर के दरबार में भेजेगा जहांगीर की सेवा में, और उसको 5,000 का मनसब दिया जाता है। अमर सिंह से चित्तौड़ के किले की मरम्मत करने का अधिकार छीन लिया जाता है, और अमर सिंह को दरबार में उपस्थित होने या वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत जो थर्ड जो लाइन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये दर्शाता है कि जहांगीर ने थोड़ा सा बहुत दूर का सोचा था, उसको पता था कि अमर सिंह कभी भी उसके दरबार में उपस्थित नहीं होगा, और कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा जैसे कि बाकी और राजपूताना परिवार कर चुके थे। तो उसने यहाँ पर दूरदर्शिता दिखाते हुए और अमर सिंह के साथ इस तरह से कूटनीतिक संधि स्थापित करी। इसी विजय के बाद खुर्रम को 15,000 का मनसब और शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं शाहजहां से जुड़े हुए, शाह खुर्रम की उपाधि कब मिली, शाहजहां की उपाधि कब मिली, 15,000 का मनसब कब मिला, 30,000 का मनसब कब मिला, इस तरह से प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद होता है अहमदनगर का अभियान 1610 से 1620 तक, और इसमें भी बहुत ज्यादा समय तक ये अभियान करना पड़ा। दक्षिण में अकबर के समय अहमदनगर के निजामशाही वंश को भागना पड़ा था, और ये हमने देख लिया था, लेकिन जो अहमदनगर है वो अभी भी उसका जो प्रमुख भाग है वो अभी भी निजाम शाही अमीरों के हाथ में था और मुगलों के हाथ में नहीं आया था। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है जिसका नाम है मलिक अंबर। तो मलिक अंबर जो है ये बहुत ज्यादा इसको माना गया है इतिहास में, दक्षिण भारत के अगर हम इतिहास देखें तो बहुत ज्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको जाना जाता है, प्रशासन के लिए जाना जाता है, और राजा तोडरमल की जो राजस्व प्रणाली थी उसको दक्षिण में लागू करने का श्रेय जो है मलिक अंबर को जाता है। और इसने ही मराठों को गुरिल्ला युद्ध नीति सिखाई दी, और मराठों को अपनी सेना में बहुत ज्यादा भर्ती करने का जो श्रेय है, शुरुआती श्रेय वो मलिक अंबर को जाता है। इतिहास में इसके अलावा ऐसा कोई उदाहरण नहीं जब एक अबीसनी गुलाम इतने ऊंचे पद पर पहुंचा हो। तो ये अबीसनिया का गुलाम था और ये बहुत ही ऊंचे पद तक चला गया, और इतिहास में इसके अलावा ऐसा कोई भी उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलता। हालांकि इस समय क्या है, खुसरो जो है वो विद्रोह करता है, मैंने आपको पहले बताया था खुसरो का विद्रोह चल रहा होता है 1607-6 और 7 में। तो खुसरो का विद्रोह का लाभ उठाकर मराठों की सहायता से मलिक अंबर ने दक्षिण में अब्दुल रहीम की सेना पर आक्रमण कर अहमदनगर को पुनः जीत लिया। शहजादे परवेज को भेजा जाता है, लेकिन उसको मलिक अंबर से हार कर अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, और इस बार मुगलों ने खाने जहां और मान सिंह को बरार से और अब्दुल्ला खान को खान देश से दो तरफा हमला करने के लिए कहा। मतलब एक तो ईस्ट से आ रहा है, एक वेस्ट से आ रहा है, तो मान सिंह और खाने जहां को भेजा गया एक तरफ से, और दूसरी तरफ से अब्दुल्ला खान को भेजा गया वेस्ट खानदेश से। लेकिन अब होता क्या है कि मान सिंह हमला कर पाता है, इससे पहले ही अब्दुल्ला खान जाके वहां पे हमला कर देता है, पराजित हो जाता है। तो जहांगीर ने अब अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा इसके बाद,
और अब तक मिल रही लगातार सफलताओं के चलते मलिक अंबर अभिमानी हो गया था और मराठों को नाराज कर दिया उसने। तो जो इन मराठों के दम पे वो इतना उसको सफलताएं मिली थी, उन्हीं मराठों को उसने नाराज कर दिया और अब्दुल रहीम ने इसी का फायदा उठाया और मराठों को अपनी तरफ ला लिया। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुगल बादशाहों में जहांगीर था वही सबसे पहला था जिसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया और राजधानी खिड़की थी अहमदनगर की उस पर अधिकार कर लेता है अब्दुल रहीम खाने खाना मराठों की मदद से। लेकिन जो मलिक अंबर है वो अभी भी पकड़ा नहीं जाता, वहां से भाग जाता है और गोरिल्ला युद्ध पद्धति को जारी रखता है। जहांगीर ने खुर्रम को एक बड़ी सेना के साथ अब्दुल रहीम के पास भेजा और वो खुद मांडू आ गया। मलिक अंबर ने 1617 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह की मध्यस्थता से समर्पण कर दिया और समर्पण करके इस मध्यस्थता के बाद कुछ इसके परिणाम होते हैं जो संधि होती है। तो परिणाम क्या है कि दक्कन के शासकों ने मुगलों को कर देना स्वीकार कर लिया। जहांगीर ने आदिल शाह को फरजंद की उपाधि दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, फरजंद की उपाधि किसको दी, किसने दी, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसी युद्ध के इसी संधि के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की भी उपाधि दी है और उसका मनसब 15,000 से बढ़ाकर अब 30,000 का मनसब उसको दे दिया गया है। परंतु वास्तव में ना तो अहमदनगर जीता गया और ना ही मलिक अंबर का पूर्णतः दमन हुआ। 1622 में मलिक अंबर ने पुनः अपने क्षेत्र जीत लिए और 1626 तक यही स्थिति बनी रही, जब मलिक अंबर की जब तक मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये क्षेत्र जो है मलिक अंबर के अधीन ही रहे। इसके बाद कांगड़ा का अभियान होता है उत्तर भारत में। 1620 में पहाड़ी क्षेत्र है और उत्तरी सीमा में इस दुर्ग का जो घेरा है वो डालने की जिम्मेदारी फिर से खुर्रम को दी गई। 14 माह के घेरे के बाद कांगड़ा ने समर्पण कर दिया और यहाँ जहांगीर ने किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई। तो खुर्रम ने काफी कुछ अभियान जो किए हैं, जो भी जहांगीर की जो भी सफलताएं हैं वो बहुत हद तक खुर्रम के अभियानों पे डिपेंड करती थी। और यहीं पे होता है धोखा, कंधार का जो अभियान होता है ये विफल हो जाता है, क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से उस समय नूरजहां के षड्यंत्रों का काल चल रहा होता है 1622 के समय। और जो शाहजहां है, जो खुर्रम है, वो इस बात को भली भांति समझ जाता है कि जो नूरजहां है वो उसको सेंटर से दूर रखना चाहती है, केंद्र से दूर भेजना चाहती है। तो जो कंधार है ये अकबर के समय में कंधार जो है वो मुगलों के अधीन था, लेकिन 1605 में खुसरो के विद्रोह के समय ईरान के शाह ने पहले तो खुरासन के सरदार को कंधार पे आक्रमण के लिए भड़काया, लेकिन जब ये आक्रमण जो करता है खुरासन का सरदार वो विफल हो जाता है। तो उसके बाद ईरान का जो शाह है शाह अब्बास, ये खुरासन के सरदार को डांटता भी है और जहांगीर से क्षमा याचना भी करता है। और शाह अब्बास ने इसके बाद जहांगीर को काफी अपने जहांगीर के पास दूध भेजे और काफी भेंटे भेजता रहा 1615, 16 और 1620 तक। और उसको इस चीज से उसने उसका ध्यान जो है वो काफी हटा दिया कि कंधार के ऊपर वो कभी आक्रमण करेगा। तो जहांगीर को ऐसा नहीं लगता था कि कंधार के ऊपर वो आक्रमण कर देगा, क्योंकि वो भेंटे भी भेज रहा है, अपने दूध भी भेज रहा है। लेकिन 1621 में शाह ने कंधार पे एक बड़ी सेना भेजी और नूरजहां के कहने पे जहांगीर ने शाहजहां को कंधार जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो कंधार पे जो है वो शाह का अधिकार हो जाता है और इस तरह से जो कंधार है वो मुगलों के हाथ से चला जाता है। अंतिम में जहांगीर की जो मृत्यु होती है 1627 में, क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है बहुत ज्यादा, मैंने आपको पहले बताया शराब का शौकीन था, तो शराब पीने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। इस स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वो कश्मीर जाता है, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं होता। और जब वो लौट रहा होता है तो लाहौर लौटते समय 1627 उसकी लाहौर के पास ही रावी नदी के तट पर शाहदरा में उसको दफनाया गया है, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है रावी नदी के तट पर और शाहदरा में उसको दफना दिया जाता है। इसके ऊपर एक मकबरा बनता है। और ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जहांगीर तक का हमने मुगल काल पढ़ लिया है, इसी श्रृंखला को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।